नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर अपने दो तीन कंपनी में काम किया, दो तीन या चार पांच कंपनी में अगर आपने काम किया, अगर आप चाहते हो पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में जुड़ जाए, तो कैसे आपको यहाँ पर जुड़ना है, कैसे आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ईपीएफओ के साइड में आ जाना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो। अगर आप मोबाइल में ओपन करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट में क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी इंटरफेस ओपन होगा, आपके मोबाइल पर भी सेम चीज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, अपने यूएन नंबर यहाँ पर फिल करना है, यूएन नंबर के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। नेक्स्ट ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है, ये वाले कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो कैप्चर है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर साइन इन दिखाई दे रहा है, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यूएन अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीएफ ट्रांसफर करने के लिए, मतलब पुराने अकाउंट से न्यू पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा है, व्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोफाइल हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर कितना कंपनी में काम किया, तीन कंपनी में काम किया। तो हमें क्या करना है, ये जो पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट नहीं किया तो कैसे डेट ऑफ एग्जिट किया जाता है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ इस वाले वीडियो के नीचे, उस वाले वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा। पहले आपको क्या करना है, डेट ऑफ एग्जिट करने पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ पर पुराने मेंबर आईडी का पैसे ट्रांसफर हो चुका है। तो हमें क्या करना है, ये जो कंपनी दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे, इस मेंबर आईडी का पैसे इस मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है। तो हमें क्या करना है, ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीजें, मैंने एक एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना। नेक्स्ट आपने प्रेजेंट कंपनी के जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपके ट्रस्ट अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पर ट्रस्ट दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, आपके प्रेजेंट अकाउंट अगर आपके ट्रस्ट अकाउंट है, यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन दिखाई देगा जो कि आपको यहाँ पर पीएफ नंबर डालना होता है। अब पीएफ नंबर कौन सा फिल करना है, यहाँ पर बहुत सारे मेंबर कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा पीएफ नंबर डालना है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही वाले पीएफ नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स में फिल कर देना है। अगर आपके ट्रस्ट अकाउंट नहीं है तो ऐसे बॉक्स नहीं आएगा, जैसे कि इस यूएन अकाउंट में बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आपको इसी तरीके से खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रीवियस एम्प्लॉयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आप पैसे जो भी ट्रांसफर कर रहे हो, आपको किसी भी कंपनी से आपको यहाँ पर अप्रूव लेने पड़ता है। अगर आप पुराने कंपनी से लेने चाहते हो, पुराने कंपनी से भी आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो न्यू कंपनी से लेना है, न्यू कंपनी से भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो न्यू कंपनी से आपको अप्रूव लेना है, तो क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयर, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पीएफ नंबर नहीं तो यूएन नंबर आपके पास जो भी है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने दो तीन कंपनी में काम किया, अगर आपके एक ही यूएन नंबर में है, जैसे कि इस यूएन अकाउंट में तीन मेंबर है, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल तरीका है, यही वाले यूएन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपने पुराने कंपनी में काम किया था, आपके यहाँ पर पुराने यूएन नंबर है, तो आपको क्या करना है, पुराने यूएन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके एक ही यूएन में दो तीन मेंबर आईडी है, तो आपको क्या करना है, यही वाले यूएन नंबर फिल कर देना है। अगर आपके पास दो तीन यूएन नंबर है, तो आपको क्या करना है, पुराने यूएन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो पुराने यूएन अकाउंट में जो भी पैसे इस यूएन अकाउंट में पैसे आ जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ पर एक ही यूएन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यही वाले यूएन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट डिटेल्स, इसी के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अपने जितने भी कंपनी में काम किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ पर इस वाले कंपनी का पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, हमें क्या करना है, इस मेंबर आईडी का पैसे ट्रांसफर करना है। तो क्या करना है, ऐसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट अगर आप डिटेल्स चेक करने चाहते हो यहाँ पर आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, मतलब पुराने मेंबर आईडी का डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है गेट ओटीपी, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा यहाँ पर आप ऐप का पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास यहाँ पर ओटीपी नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओटीपी सेंड सक्सेसफुल, यहाँ पर आपको एक ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक कर दे रहे हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पर ओटीपी फिल कर दे रहे हैं। अब ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबमिट, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक दो मिनट वेट करना है, अगर आपके इंटरनेट फास्ट है यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद क्या करना है थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, जो भी हमने यहाँ पर क्लेम किया वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप चेक करने चाहते हो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है ये ट्रांसफर होने के बाद पैसे आपके न्यू अकाउंट में तुरंत नहीं आ जाएगा, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर जैसे अप्रूव कर देगा ईपीएफओ के पास जाएगा, ईपीएफओ जैसे अप्रूव कर देगा उसके बाद 3-4 दिन बाद जाके आपके पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में पैसे आ जाएगा। जो भी मैंने डिटेल्स में बताया आपको ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेगा, नहीं तो आपके यहाँ पर पीएफ क्लेम नहीं हो पाएगा, आपके पीएफ का पैसे फंस जाएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पीएफ का पैसे ट्रांसफ़र होने में टोटल 15 से 1 महीने तक टाइम लग सकता है। अगर आपके ट्रस्ट अकाउंट है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 महीने से 3 महीने तक टाइम लग सकता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।